आसी बेटा, ये ले दूध पी ले, दूध पीने से ताकत आती है। अब मुंह मत बना, दादी मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ, आसी ने कहा। सुजाता जी हंसने लगी। कितनी भी बड़ी हो जा, मेरे लिए तो मेरी छोटी सी आसी रहेगी, और तू अभी 14 साल की तो है, कौन सी ज़्यादा बड़ी हुई है। अब दूध पीने पी ले, वरना मैं रूठ जाऊंगी, उन्होंने बनावटी गुस्से से कहा। ये सुनते ही आसी सहम गई। नहीं दादी, आप मत रूठना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप रूठ जाएंगी तो मैं किससे बात करूँगी, मम्मी पापा भी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और आसी सुजाता जी से लिपट गई। उन्होंने आसी के बालों को सहलाया, गालों को पुचकारा और दूध पिला दिया। अच्छा तू अब अपना होमवर्क कर ले, फिर शाम को मेरे साथ पार्क चलना। और वो रसोई में चली गई। रसोई में जाकर उन्होंने खाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि शाम को वो पार्क सैर करने के लिए जाती हैं, और आकर फिर उनसे खाने की तैयारी नहीं होती। अंजलि और अंशुल भी रात को आते खाना खाते हैं, दोनों की वर्किंग है, और अपने घर में अपनी बच्ची को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। सुजाता जी की एक बेटा बहू है, और दोनों ही वर्किंग है। उनकी शादी को जब 3 साल हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अब वो बच्चा कर लो ताकि परिवार आगे बढ़ सके, पर अंजलि माँ बनने को तैयार नहीं थी। उसे अपना करियर प्यारा था, क्योंकि माँ बनने से लेकर बच्चे को जन्म देने तक सबके लिए उसे समझौते करने थे, वो इसके लिए तैयार नहीं थी। अंशुल भी टाल मटोल ही कर रहा था। सुजाता जी ने समझाया कि बच्चा तो दोनों के लिए जरूरी है, तुम दोनों इतना कमा रहे हो, किसके काम आएगा, बुढ़ापे में अकेले रह जाओगे, अपना खून अपना ही होता है। अंशुल ने फिर हामी में गर्दन हिला दी। करीब साल भर बाद अंजलि ने प्यारी से बेटी को जन्म दिया। उसे कंपनी की तरफ से मेटरनिटी लीव भी मिल गई थी। शुरुआती 6 महीने तो निकल गए, पर अब उसे ऑफिस जाना था। एक रात जब सब खाना खा रहे थे, तो अंजलि ने फैसला सुना दिया कि सोमवार से काम पर जाएगी। सुनते सुजाता जी ने कहा, लेकिन अभी तो आसी तुम्हारा दूध पीती है, ये दूध पीती बच्ची कैसे रहेगी, तुम 2-3 सालों के लिए काम क्यों नहीं छोड़ देती, वैसे भी अंशुल भी अच्छा कमा रहा है, घर तो आराम से चल जाएगा, मैं इस घर पर नहीं बैठ सकती, और आप ही बच्चा बच्चा कर रही थी, अब आप ही पालो, और आज से आपके पास ही सुलाना, रात भर जाकर मेरी नींद खराब कर देती है, और दूध का क्या है, बोतल से भी पिला देना, वैसे भी 6 महीने हो गई है, ऊपर का खाना भी दे सकते हैं। अंजलि ने कुछ नहीं सुना, बस अपने आप फैसला सुना दिया। सुजाता जी उस रोती बिलखती अपनी पोती को पुचकारती रही। अब अंजलि अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहने लगी, सुजाता जी अपनी पोती की परवरिश में लग गईं। अंजलि काम के सिलसिले में आसी से दूर होती गई, और सुजाता जी और आसी के बीच जुड़ाव होने लगा। जब आसी ने अपना पहला कदम रखा तो चलने लगी, तो उसने अपनी दादी को नन्हे कदमों से चलकर थामा। जब उसने बोलना सीखा तो पहला शब्द दादी के कानों में रस खोल गया, वो ऊपर के दूध और दादी के लाड प्यार में पलने लगी। कभी अंजलि उसे गोदी में लेना भी चाहती तो दौड़कर अपनी दादी की गोदी में सिमट जाती थी। कुछ साल बाद अंजलि को कंपनी में प्रमोशन हो गया, और वो पहले से ज़्यादा व्यस्त रहने लगी। अब आसी भी स्कूल जाने लगी थी, सुजाता जी ही उसे तैयार करती, उसके लिए टिफिन बनाती, उसके साथ खेलती थी, उसको खाना खिलाती थी, शाम को पार्क की सैर करवाने ले जाती थी, रात को उसके लिए लोरियां गाती, तो कभी चांद तारों और परियों की कहानी सुनाती थी। सुजाता जी और आसी की अपनी ही एक दुनिया थी, जिसमें प्यार और बस प्यार ही था। एक दिन रविवार को अंजलि घर पर थी, उसने आसी से स्कूल और होमवर्क के लिए पूछा, तो आसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने आसी की कॉपी चेक करी तो उसमें कम नंबर थे, और कई जगह गलतियां भी थी। ये देखकर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी, और अंशुल से बोली, देख ले तुम्हारी माँ के लाड प्यार ने मेरी बच्ची को बिगाड़ दिया है, इसके टेस्ट में कितने कम नंबर आए हैं, और होमवर्क भी पूरा नहीं है, हमसे कहा बच्चा कर लो और पाल मैं लूंगी, ये देखो कैसे बच्चे को पाल रही, मैं तो इस लड़की से और तुम्हारी माँ से परेशान हो गई हूँ। और वो कदम पटकते हुए अंदर चली गई, हमेशा की तरह अपनी बात बोल गई, और आसी की कोई बात नहीं सुनी। अंशुल, आसी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, पर कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूँ, मैं तो सामान्य पढ़ी लिखी हूँ, तुम दोनों के पास समय नहीं है,
तो आशी के लिए ट्यूशन ही लगवा दे ताकि समय पर नियमित उसकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी और वो पढ़ाई कर भी ध्यान में दे पाएगी। अंशुल ने अगले दिन से आशी के लिए ट्यूशन लगवा दी। अब सुजाता जी सुबह तो उसे स्कूल छोड़ने जाती थी, दोपहर को ले आती थी और शाम को ट्यूशन भी लेने छोड़ने जाती थी। वो आशी की पढ़ाई, उसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखती थी। आशी के लिए उसकी दुनिया उसकी दादी ही थी। वे स्कूल से आते ही उन्हें स्कूल की सारी बातें बताती थी। दोनों दादी पोती दिन भर बहुत बातें करते थे और जब अंशुल और अंजलि घर आते थे तो एक सन्नाटा सा पसर जाता था। कहने को दोनों घर पर होते थे लेकिन उनके फोन कॉल, लैपटॉप पर मीटिंग चलती रहती थी और उस समय उन्हें कोई आवाज़ नहीं देना चाहिए। ट्यूशन में पढ़कर अब आशी अच्छे नंबर लाने लगी थी। उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी सुजाता जी ही जाती थी। सब टीचर उन्हें जानने लगी थी। अब आशी थोड़ी और बड़ी हो गई तो अपनी दादी करीब होती जा रही थी। उसकी 9वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आया तो बहुत खुश थी। उसने स्कूल की सभी 9वीं कक्षाओं में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। स्कूल के वार्षिक समारोह में वो पुरस्कार लेने सा परिवार भी गई थी। उसका नाम भी स्टेज पर पुकारा गया और अंजलि और अंशुल इसलिए भी स्कूल गए थे क्योंकि पेरेंट्स के हाथों ही बच्चों को पुरस्कार मिलने वाले थे। जब स्टेज पर आशी का नाम पुकारा गया तो मुस्कुराती हुई बोली, मैं ये पुरस्कार अपनी दादी के हाथों से लेना चाहती हूँ। आज उनकी वजह से मैंने ये सफलता हासिल की है। अंजलि और अंशुल अपनी कुर्सी से उठते उठते वापस बैठ गए। अंजलि को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था आज सबके सामने बेटी ने उनका अपमान कर दिया। सुजाता जी ने अपनी पोती को गर्व के साथ पुरस्कार दिया। अंजलि ने घर आती घर को सिर पर उठा लिया। आशी तुझे शर्म नहीं आई? सबके सामने हमारा अपमान कर दिया। हम तो सिर्फ तेरे लिए मीटिंग छोड़कर आए थे। कोई बेटी अपनी मम्मी पापा के साथ ऐसा करती है क्या? आज अपमान से हमारी नजरें झुकी हुई थी। ये सब तेरी दादी की वजह से हुआ। जाने तो उस पर इन्होंने कौन सा जादू करवा दिए। तभी आशी गुस्से में बोलती, मम्मी आपने मुझे जन्म देने के अलावा किया ही क्या है? आप नहीं आती तो मुझे भी पुरस्कार मिल ही जाता और आप मेरे लिए नहीं अपने नाम के लिए स्कूल आई थी। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ दादी की वजह से हूँ। इन्होंने ही मेरी अच्छे से परवरिश की है। ये सुनकर अंजलि आशी को एक थप्पड़ मार देती है। अच्छे से दिख रहा है कैसी परवरिश की है। बड़ों के आगे ऐसे बोलते हैं, कोई शर्म या लिहाज भी नहीं है। आज से तुम अपनी दादी से दूर ही रहोगी, बात भी नहीं करोगी। इनकी संगत में रहकर तू तो आगे न जाने कैसे कैसे गुल खिलाएगी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इनको वृद्धा आश्रम भेज दूंगी, फिर देखती हूँ ये दादी पोती का प्यार कितना टिकता है। ये सुनती आशी सहम गई। नहीं मम्मी, आप दादी को कहीं नहीं भेजेंगी। दादी इसी घर में रहेंगी, मेरे ही साथ रहेंगी। मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। मेरी वजह से वो वृद्धा आश्रम जाए ये मैं नहीं होने दूंगी। उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। आशी सुबह कर रोने लगी। तभी उसकी दादी अंदर कमरे से आई। मेरी लाडली बिटियों को क्या हो गया? ऐसे क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? पर आशी कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद दादी दूध लेकर पहुंची। आशी दूध पी ले। आशी ने चुपचाप दूध पिया, गिलास दिया और दरवाजा बंद कर लिया। सुजाता जी को कुछ समझ में नहीं आया आखिर आशी ऐसे क्यों कर रही है। रात को भी उसने बिना नानकुर किए चुपचाप से खाना खा लिया। उसने अपनी ही दादी से दूरियां बना ली पर इसका असर उसके तन मन दोनों पर दिखने लगा। घंटों अकेले बैठकर सोचती रहती थी। अब स्कूल से आती ही दादी से कोई बात शेयर नहीं करती थी। मन ही मन रोती रहती थी, घुटती रहती थी और इसी तरह बीमार पड़ गई। अब उसने बोलना हंसना सब छोड़ दिया। घर का माहौल ही बदल गया। अंजलि और अंशुल अपने काम में उलझे रहते थे। आशी अपने कमरे में रहती थी। सुजाता जी अब बहुत परेशान रहती। अब उनका मन इस घर में उचट गया था। अपनी पोती की वजह से वो खुश और व्यस्त रहती थी तो अब उनकी पोती ने ही उनसे बोलना कम कर दिया था। जब भी वो उसके पास जाती वो यही कहती थी, मुझे पढ़ाई करनी, परेशान मत करो, अब मैं 10वीं कक्षा में आ गई हूँ। एक दिन सुबह रविवार था, सब लोग घर के बैठकर नाश्ता कर रहे थे। सुजाता जी ने भारी मन से अंशुल से कहा कि मैं अब वापस गाँव जाना चाहती हूँ। तेरे बाबूजी के जाने के बाद मैं अकेली रह गई थी तो तुझे शहर ले आया।
और अब सब बड़े हो गए हो, तुम सबको अपना काम है, पढ़ाई है, तो मुझे लगता है मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। इसलिए तू आज का ही मेरा टिकट करवा दे, मैं वहाँ रहूँगी तो कम से कम कोई मुझसे बात तो करेगा, मेरा मन लग जाएगा और बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। ये सुनते ही आसी अपनी दादी से लिपट कर रोने लगी। दादी आप मत जाओ, आपके बिना मैं कैसे रहूँगी, अगर आप गांव जा रही हो मुझे भी ले चलिए, मैंने आपसे बात करना कम कर दिया था क्योंकि मम्मी ने कहा था कि आपको वृद्धा आश्रम भेज देंगी, मुझे लगा कम से कम आप घर में रहेंगी तो मेरे आसपास तो रहेंगी, इसलिए मैंने आपसे दूरियां बना ली थी, पर आपको पता नहीं मैं रोज़ कितना रोती हूँ, आप भी दुखी रहती होंगी, पर क्या फ़र्क पड़ता, मैं रोती हूँ तो मेरी मम्मी तो इससे खुश रहती है, कहकर आसी रोने लगी और सुजाता जी को उसने कसकर पकड़ लिया। यह देखकर अंशुल को भी आश्चर्य हुआ, उसने अंजलि को फटकारा, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, मेरी माँ ने अपने बच्चों को पाला, संस्कार दिए, समय दिया, प्यार दुलार दिया, जिसे देने का समय तुम्हारे पास कभी नहीं था, जिसकी वजह से तुम नौकरी कर पाई हो, इतनी अच्छी पोजीशन तक पहुँच गई हो। ये सुनकर अंजलि को भी ग्लानि महसूस हुई, उसने अपने अहम के लिए दादी पोती को एक दूसरे से दूर कर दिया। उसकी बच्ची अपनी दादी के साथ में कितनी खुश थी और आज उसी की धमकी की वजह से उसकी बेटी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। उसके घर में सन्नाटा सा पसरा था। सुजाता जी हैं तो आसी को संभाल लेती, वरना उसे तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। अंजलि ने अपनी रोती हुई बेटी को बाहों में भरा और उसे चुप कराया। आसी दादी कहीं नहीं जा रही, वो हमेशा तेरे साथ ही रहेंगी, मैं उन्हें कहीं नहीं भेजूंगी, कहीं भी नहीं। आसी ने अपने आंसू पोंछे और अपनी दादी से लिपट गई। आज वो महीनों बाद मुस्कुराई, उसकी हंसी देखकर अंशुल और अंजलि के चेहरे भी खिल गए। दोस्तों जहाँ प्यार और दुलार मिलता है, मन वहीं की है और वहीं से प्यार मिलता है, रिश्ते प्यार से ही जुड़ते हैं, प्यार भागता है, कई बार जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा पालने से भी निकलते हैं। दोस्तों आप लोग कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।